दोस्तों आज हम ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों की वजह से वहाँ का टूरिज्म बिजनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। वो देश आकार में महाराष्ट्र जितना बड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से भी आगे जा रहा है। दोस्तों ये कोई और देश नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश का नाम उंगलियों पर गिना जा सकता है। जहां नॉर्थ कोरिया जैसे देश को सबसे क्रूर, भ्रष्ट और खतरनाक देशों की श्रेणी में सबसे आगे माना जाता है, वहीं इसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों साउथ कोरिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कोरिया शब्द कोरियो से लिया गया है क्योंकि एक जमाने में कोरियो साम्राज्य पूर्व एशिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। दक्षिण कोरिया का इतिहास भी सेम हमारे भारत देश की तरह ही है। सन 1910 से 1945 तक कोरिया पर जापान देश शासन करता था, परंतु वर्ल्ड वॉर टू के अंत में जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर कोरिया स्वतंत्र हुआ। और भारत पाकिस्तान की तरह ही ये देश दो हिस्सों में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अपनी अपनी स्वतंत्रता के बाद उत्तर कोरिया में भूखमरी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में पर्याप्त विकास किया। 1960 के दशक से दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाला ये देश आज विश्व के सबसे धनी देशों में गिना जाता है, विशेषकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से हाई लेवल पर ये विस्तारित हुआ है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की सीमा जहां तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, वही दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इसका पड़ोसी देश है। इस देश का क्षेत्रफल 1,210 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की GDP 1.6 ट्रिलियन डॉलर है और GDP के हिसाब से इसको दुनिया में 10वां स्थान प्राप्त है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इस देश की GDP का मुख्य कारण है। दक्षिण कोरिया के मुख्य निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मशीन, ऑटोमोबाइल, स्टील, हवाई जहाज और वस्त्र शामिल है, जिनमें सैमसंग, OLG, हुंडई और किया जैसे कंपनियों के सामान लगभग हर भारतीयों के घर में आपको मिल जाएंगे। इस देश का औसतन प्रति व्यक्ति की इनकम $31,362 है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और ये देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई योन है, जिसका करेंसी कोड KRW है और भारत का एक रुपये इस देश में 15.16 KRW के बराबर है। इस देश का कॉलिंग कोड +82 है और जैसे इंडिया में हम लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, वैसे यहाँ के लोग गाड़ी हमेशा राइट साइड से चलाते हैं। दक्षिण कोरिया की लगभग 92% आबादी शहरों में रहना पसंद करती है, वही सिर्फ 8% आबादी गांव में रहती है। मोबाइल इंटरनेट के लिहाज से साउथ कोरिया दुनिया का नंबर एक देश है, जहाँ 121 MB/s की इंटरनेट स्पीड पाई गई है और इस देश में आप सार्वजनिक जगहों पर भी फ्री वाईफाई का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों जब बात सुंदरता की होती है तो कोरियन लोगों की अपनी सुंदर और निखरी त्वचा के बारे में ना सोचना लगभग असंभव है। त्वचा की देखभाल के अलावा कोरियन लोगों के बीच मेकअप एक सुंदरता का मुख्य हिस्सा रह चुका है और हम में से कुछ लोगों को यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन कोरियन पुरुषों के लिए मेकअप करना आम बात है। यहाँ के पुरुष एवरेज हर साल $2,000 मेकअप पर खर्च करते हैं। दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन की बजाय एक साल का माना जाता है। कोरियन वासियों का मानना है कि बच्चा माँ के पेट में ऑलरेडी 9 महीने बिताता है और इसी कारण से कोरिया में बच्चा पैदा होने पर उसे एक दिन का नहीं बल्कि एक साल का माना जाता है। दक्षिण कोरिया में कपल्स का वैलेंटाइन डे 14 फरवरी की जगह 14 मार्च को मनाया जाता है और साथ ही जो सिंगल लड़के हैं वो 14 अप्रैल को ब्लैक डे भी मनाते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो इस दिन काले कपड़े पहनते हैं, ब्लैक नेल पॉलिश लगाते हैं और खाने में भी ब्लैक नूडल्स खाते हैं। तो अगर आप कभी साउथ कोरिया घूमने गए तो इसकी राजधानी सियोल में जरूर जाए, क्योंकि इस महानगर में सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं और जो नाइट लाइफ लवर्स है उनके लिए ये बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे रात भर पार्टीज चलती रहती है। इतना डिटेल में वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी स्टडी और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।